डेक मिल जाएंगे, एक अपर डेक, एक लोअर डेक, ये वाला जो नीचे को जा रहा है, एक मिडल डेक जो कि ये है। मिडल डेक वाली सीट वैसे मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जगह मिलती है। तो इंडियन रेलवेज को एक चीज़ मेरे हिसाब से करनी चाहिए कि डबल डेकर में स्पेशली, बाकी ट्रेन में तो ऑप्शन आता है ना विंडो वाली चाहिए, साइड अपर साइड लोअर ऐसा ऑप्शन आता है, तो इसमें भी ऑप्शन आना चाहिए कि आपको लोअर डेक में चाहिए, मिडल डेक में चाहिए या अपर डेक में चाहिए। चेन्नई अराइव हुआ है तो दोनों साइड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो हेलो जी, कैसे हो आप लोग? तो आ गए यार फिर से एक और जर्नी देखने के लिए। इस बार वाली जो जर्नी होने वाली है ना, वो बाकी सभी ट्रेनों से अलग है क्योंकि मैं पहली बार किसी ऐसी ट्रेन की जर्नी ला रहा हूँ। हालांकि पहले भी इस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, दिखाई देता हूँ। ये है जी अपनी बेंगलोर से चेन्नई को जाने वाली डबल डेकर। मैं पहले भी इसमें एक बार ट्रैवल कर चुका हूँ, वो आई थिंक एप्रैल में किया था मैंने, लेकिन उस टाइम क्या है कि मेरा कुछ मेमोरी कार्ड में दिक्कत आ गई थी तो वो वीडियो मेरा आ नहीं पाया था। हालांकि रिकॉर्ड मैंने कर लिया था इसमें, उस टाइम मैंने चेन्नई से बेंगलोर किया था, आज जा रहा हूँ बेंगलोर से चेन्नई। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत आ चुका हूँ फिर से लेकर के एक और ट्रेन जर्नी, इस बार डबल डेकर में। बाय द वे जाना तो किसी और ट्रेन में था लेकिन उसमें वेटिंग मिली थी तो अभी इसी में जाना पड़ रहा है मेरे को। और वैसे एक कोइंसिडेंस की बात बताऊँ, जब मैं पिछली बार बेंगलोर आया था ना, जब मैंने यहाँ से चेन्नई के लिए शताब्दी एक्सप्रेस की थी, वो भी यहीं से पकड़ी थी, बिल्कुल यही जगह थी, यहीं पे आके मेरा कोच रुका था। आगे से मतलब पाँचवा छवा कोच था मेरा C4, और आज भी मेरा कोच इसी जगह पे रुका हुआ है आके, और मेरा कोच है C3 जिसमें मेरा लोअर डेक है। अभी इसी में चलता हूँ पहले, और जैसे ही आप अगर इसमें एंटर करोगे ना तो आपको तीन तरह के डेक मिल जाएंगे, एक अपर डेक, एक लोअर डेक ये वाला जो नीचे को जा रहा है, एक मिडल डेक जो कि ये है। मिडल डेक वाली सीट वैसे मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जगह मिलती है। और वैसे तो अभी इसकी बेंगलुरु में इसकी सफाई वगैरह हो रही है, लेकिन ये वाला जो इसका है ना, मैं चाहता था मेरे को ये वाली सीट मिले, लेकिन मेरे को मिली नीचे वाले डेक में, वो भी काफ़ी कंजस्टेड सीट है। ऊपर वाली फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक है, सामान रख सकते हो आप लोग, लेकिन नीचे में भूल जाओ भाई। और वैसे बाय द वे मैं आ तो चुका हूँ अंदर में, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आप मैं अपना बड़े वाला लगेज रखूँ कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह ही उस लायक नहीं है। ये देख लो भाई, इतनी सी जगह, और मेरा बैग मुझे नहीं लगता आएगा कहीं। अब मैं सोच ही रहा हूँ कहाँ उसको एडजस्ट करूँ, कुछ ज़्यादा ही कंजस्टेड है ये, जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही है। हालांकि अपर वाले डेक में फिर भी ठीक है, वहाँ पे साइड में जो जगह होती थोड़ा बहुत ये रखने के लिए, लोअर डेक में तो बिल्कुल भी नहीं है। सोच रहा हूँ अपर डेक में जा करके कर लूँ, टीटी सर से बात करके शायद अपर डेक में जाना पड़ेगा मुझे। और वैसे हमारी वाली जाएगी बेंगलोर से चेन्नई, और ये वाली देख रहे हो ना, ये जाएगी यहाँ से कोयम्बटूर के बीच में डबल डेकर। दोनों डबल डेकर इकट्ठी खड़ी हुई हैं, वैसे ये तो अभी जा रही है। तो ये है जी लोकोमोटिव, इस ट्रेन का रॉयापुरम WAP-7 लोकोमोटिव लगा है, 30556 नंबर है। ये है लोकोमोटिव की कहानी, अभी कुछ ही टाइम बचा, वैसे मैं पूरे टाइम पर ही पहुँचा हूँ, 2:10 पर तो यहाँ पहुँचा हूँ, 2:30 तो डिपार्चर है वैसे इसका, 10 बचे होंगे आई थिंक इसके डिपार्चर में। तो वैसे ऑन टाइम ही अभी डिपार्चर हो गया हमारी ट्रेन का, SBC बेंगलुरु से, 7 प्लेटफॉर्म से निकली है ये, 2:30 पूरे। तो ये है भाई एग रोल अपना, मेरे को बाद में पता लगा ये एग रोल है जब मैंने ले लिया। चलो कोई नहीं यार, वैसे भी खाना तो है यार, एक यही चीज़ है जो खा सकता हूँ, बाकी कुछ सही लगता नहीं मेरे को यहाँ का। और एक बात है कि सुबह का मैंने सही से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ, बस यही खा लिया, कभी समोसा खा लिया, चाय पी ली बस। जब से उस ट्रेन से उतरा हूँ ना मैं, जब नागरकोल से बेंगलोर आया था मैं जिस ट्रेन से SMBT वाली, उसके बाद से ऐसा ही चल रहा है मेरा। आज का दिन ही है यार, कल से तो लगता है सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, आज का दिन थोड़ा बिजी है मेरा। ये मैं आगे आइंदे में बताऊंगा इस वीडियो के कि मैं क्यों बिजी हूँ इतना।
गाड़ी वैसे अभी बेंगलोर कैंट में पहुंची है और यहाँ कुछ ज़्यादा ही क्राउड है इसमें। तो भाई समय से ही वैसे अभी गाड़ी कुछ 10 मिनट पहले ही चली थी बेंगलोर सिटी से, इस 10 मिनट के अंदर मैं पहुंच भी गई बेंगलोर कैंट पे। वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्राउड है, प्लेटफॉर्म ज़्यादा ही भरा हुआ है, इतना तो बेंगलोर सिटी पे भी क्राउड नहीं था जितना इस टाइम यहाँ पर है बेंगलोर कैंट पे। काफ़ी लोग चढ़ रहे हैं यार यहाँ पे, यहाँ से मुझे लगता है पैक होने वाली गाड़ी हमारी। हमारी जो कोच है ना पूरा लगभग कृष्णा राज पूरा से पूरा पैक हो चुका है। एक देखो मैं इसमें, मैंने पहले बताया कि मैंने जाना नहीं था, बेसिकली मैं मजबूरी में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी ट्रेन में मिली नहीं, और दूसरा ये रीज़न है, एक तो ये हो गया। और मैंने जो फ़र्क नोटिस किया इसमें और जो नॉर्मल चेयर कार का कोच होता है ना, बताता हूँ आपको फ़र्क। पहली बात, इस कोच में ना उतना ज़्यादा मतलब कि कह लो थोड़ा सा कंजस्टेड है, पहला तो ये है। दूसरा एक बताता हूँ, ये देखो इसमें ना फुट रेस्ट नहीं मिलेगा आपको, फुट रेस्ट नहीं है, और उधर रीडिंग लैंप उधर जो होता है वो नहीं है यहाँ पे। और एक मेजर डिफरेंस पता क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स एक कोच में 120 हैं, 120 लोग एक साथ एक डब्बे में बैठ सकते हैं, 10 डब्बे लगे हैं टोटल ऐसे, एक यानी 120 इंटू 10 1200 सीट्स, 1200 लोग एक साथ चेन्नई से बेंगलोर या बेंगलोर से चेन्नई इसमें जा सकते हैं, कहीं भी अगर ये चल रही है किसी और रूट पर चल रही है, तो ये है सीन इसका। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। गाड़ी ने तो बिफोर टाइम ही पहुँचा दिया बंगाल पेड़ पे। स्टेशन कोड BWT है इसका, आई थिंक 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और अब गाड़ी लगभग 10 मिनट तो रुकने वाली है कम से कम। वैसे बंगाल पेड़ जो है ये कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी हम लोग बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट से तो बाहर आ चुके हैं। इससे पहले ये दो जगह रुकी थी, एक कृष्णाराजापुरम रुकी थी, बेंगलोर कैंट पे तो रुकी थी, पहला स्टॉप तो वही था। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, मैं तो चाहता हूँ यहीं पे रुकी रहे काफ़ी टाइम, मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। और गाड़ी भी कैसे कर पे बिल्कुल खड़ी अच्छी लग रही है। वैसे बेंगलोर के डिस्ट्रिक्ट में ही आता है एक वाइल्ड फील्ड स्टेशन, और यहाँ पे है गोल्ड फील्ड। गोल्ड फील्ड मतलब एक्चुअल में गोल्ड फील्ड कोई फील्ड्स वगैरह हैं, उसके बारे में सुना है मैंने बंगाल पेड़ के पास। वैसे जब ये हमारा इंडिया अंडर ब्रिटिश के राज के अंडर था, तब इस आई थिंक इसका नाम ना अंग्रेज़ों ने दिया था बोरिंग पेड़, ऐसे बोरिंग पेड़, बोरिंग लगा लो BOWRING, बोरिंग पेड़ दिया था। फिर आज़ाद इंडिपेंडेंस के बाद इसको बंगाल पेट ऐसे नाम दे दिया गया था।
तो अभी हो रहे हैं 4:10 और गाड़ी ने पहुंचा दिया है कुप्पम पे, स्टेशन कोड KPN। भाई वैसे ये आता तो आंध्र प्रदेश में, भाई मुझे पता नहीं था कि आंध्र प्रदेश का भी कोई शहर आ जाएगा। भाई मैं अभी आया ही था और भी क्या हो इसका, चलना ही पड़ेगा यार मेरे को। वैसे 4:30 से तो ऊपर टाइम हुआ पड़ा, अभी मुलनूर पे रुकी हुई है कब से हमारी गाड़ी। देखो मैंने आपको काफ़ी कुछ टाइम पहले बताया था इस ट्रेन को कंपेयर किया था इसी चेयर कार कोच से जो शताब्दी का कोच है, कि क्योंकि मैंने बोला था ये कोच उससे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ के लिए कंफर्टेबल है वो बताता हूँ आपको। ये देखो इसका जो ये लगा होता है ना नीचे वाला, ये काफ़ी बाहर को आया होता है, यानी अगर आपको चढ़ना है ना तो आप आराम से चढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना, बस पैर रखना और आप चढ़ जाओगे, आपको इसको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना ये वाली चीज़ कंफर्टेबल है इसकी। सवा 7 से भी ऊपर टाइम हो गया है और गाड़ी तो कुछ आधा पौना घंटा लेट हो गई है। वैसे आते आते यहाँ पे पिछले पुराने स्टेशन पे इसको आधे घंटे से ज़्यादा रोका हुआ था भाई, लेकिन जब इस सिचुएशन में गाड़ी इतनी रुकी हुई थी ना जब वहाँ पे, भाई मेरी हालत मतलब मैं डर गया था भाई, डर नहीं भी थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि देखो अब मेरी ट्रेन है जब ये चेन्नई पहुँचेगी ना रात 11:00 मेरी चेन्नई से ट्रेन है, ये तो मतलब सामने 8:30 तक पहुँच जाएगी, तो मैं घबरा गया कि वो ना निकल जाए अगर इसको ज़्यादा रोक दिया तो। कभी होता है यार, सबके साथ होता होगा ऐसा, अगर आपकी कनेक्टिंग ट्रेन से जो पिछली ट्रेन से जा रहे हो वो ऐसे आधा घंटा किसी स्टेशन पे रुक गए ना, तो यही थॉट आता है मन में। वैसे जोलारपेट वैसे जंक्शन है, जोलारपेटा ही पूरा नाम है इसको, जोलारपेट बोलते हैं, जो कि तिरुपत्तूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, उसके अंडर आता है, यहाँ से 7 किलोमीटर है तिरुपत्तूर। और ये रेलवे स्टेशन जो है ना चारों ओर से ये लगी हुई हिल्स से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं किधर है, और जो इससे पहले जो रूट आ रहा था ना रास्ते हिल्स वगैरह कर, भाई मज़ा आ गया देख के। अभी वैसे सामने तो लगी हुई है ट्रेन अपनी, अभी चली नहीं है लेकिन जल्दी चलने वाली है, एक तो लेट हो चुकी है। मैंने ना अभी जोलारपेटा से ना ये वड़े और सांभर ढलवा लिया है, 30 रुपये का मिला, और एक चाय भी ले ली अपने साथ,
और गाड़ी अभी खड़ी हुई है, मैंने इसलिए ले लिया। और ये मैं क्यों लिया, क्योंकि इसके पीछे से ना अभी एक गाड़ी आगे निकाली है, वो अभी चली है, अब थोड़ा आगे निकलेगी फिर हमारी चलेगी, तो टाइम है मेरे पास अभी। चलो भाई कुछ नहीं से तो कुछ ही सही, वड़ा ही खा लेता हूँ यार, वड़ा फिर भी चलो खाने लायक होता है, सांभर के साथ वड़ा का अलग ही स्वाद है। और वड़ा है भी बिल्कुल गर्म यार, गर्म गर्म मिला सांभर के साथ डाला उन्होंने। मेरे को पता नहीं है बनता किस चीज़ का, लेकिन मैं कहूँगा एवरेज है, ठीक है खा सकता हूँ इसको मैं, गर्म भी है और बिल्कुल। यहाँ से नीचा नीचे वाला डेक है, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म कितना क्लोज दिखता है, बाकी 5:30 तो यहीं पे हो चुके हैं हमको अभी। और मैं अंदर ही आ गया, अब यहीं से वड़ा वगैरह खा लेता हूँ मैं, छोड़ो क्या बाहर खाना, अभी अंदर पूरा ठंडा हुआ वड़ा भाई, ठंड लग रही मेरे को यहाँ पे भी। जो साउथर्न रेलवे है ना, उन्होंने एक चीज़ शुरू की थी कुछ टाइम पहले, कि जो यहाँ की जो प्रीमियम ट्रेन था राजधानी शताब्दी तो कोई भी प्रीमियम ट्रेन होगी या डबल डेकर भी एक प्रीमियम ही ट्रेन है, तो इनके अंदर पैसेंजर को ना एक मैगजीन प्रोवाइड कराई जा रही है कि पढ़ने के लिए, जो कि है योर प्लेटफॉर्म के नाम से ये है। तो ये वाली जो मैगजीन है ना, ये इस जोन के जो GM है और DRM उनका खुद का बयान में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये इस साउथर्न रेलवे के जो GM है MG माल्या, इन्होंने खुद भी बोला है इसके बारे में, आप पॉज करके पढ़ लेना। और ये है DRM चेन्नई डिवीजन के, इसके बारे में भी साफ लिखा हुआ है इस मैगजीन के बारे में, योर प्लेटफॉर्म के बारे में आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना हो तो। इसमें काफ़ी रेलवे के बारे में काफ़ी फैक्ट्स लिखे हुए हैं और बाकी भी कई चीज़ों के बारे में चीज़ें लिखी हुई, जैसे आप पढ़ सकते हो अगर बैठे हो तो, इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस मैगजीन में। इधर लगी है चेन्नई वाली बेंगलोर शताब्दी, कार्ड पार्टी पे भी बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो रहा है हमारा, कितने लोग भी चढ़ भी रहे हैं, और उस साइड सिग्नल ऑरेंज भी हुआ पड़ा है, देखो मेरे ऑलरेडी आगे वाला सिग्नल ऑरेंज ही है, और उस साइड आई थिंक चेन पुलिंग हो गया था हमारी ट्रेन का ही। ये गाड़ी ना एकदम से चल पड़ी थी, मेरे ख्याल से हॉर्न हुआ एकदम से तेज हो गई थी, मैं भी चलती में चढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले। जो लोको पायलट सर है ना, वो हॉर्न मतलब जैसे ही हॉर्न मारेंगे और वैसे ही चला देंगे गाड़ी, ये एक तो होता है ना हॉर्न मारने के बाद लोको पायलट एक दो सेकंड देखते बाद चलाते हैं, इसमें हॉर्न के बीच में ही चलाती थी, अभी मैंने नोटिस किया था, आई थिंक उसी वजह से शायद चेन पुलिंग भी तभी हो रहा है इसमें। बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो गया यार उस तरफ, जिस साइड चेन पुलिंग है सभी TT सर RPO ऑफिसर सब चले गए वहाँ पे। देख वाला दिखा देता है, इधर मिनी पेंट्री होती है और लाइटनिंग तो बहुत अच्छी, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला। इधर डस्टबिन है, सिंक है, सिंक और नीचे डस्टबिन, दो डस्टबिन है, एक ये है और वो तो होता ही होता है। देखो यार इंटीरियर तो इसका मैं बोलूँगा शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक बार मैं आपको अगर वॉशरूम में लेके जाऊँगा ना खुद समझ जाओगे। तो देखो यार अगर मैं इसका वॉशरूम दिखाऊँ आपको तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही ठीक है, इसको मैं एवरेज भी नहीं कह सकता। आप देख ही लो लाइट है इधर, इधर सोप चलो आ रही है तो चलो यूज़र के हिसाब से गीला हो गया लेकिन स्मेल नहीं मार रहा, ये बात है। और यहाँ पे गोली भी रखी होती है इस करके कि स्मेल ना आए ज़्यादा नीचे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गीला है। मैं कहूँगा अब हुआ जाके, जब मैं इसमें बोर्ड किया था ना तब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा था, जो तो यूज़र के हिसाब से हो जाता है, फिर भी मैं कहूँगा ठीक है यार अभी इतना, क्योंकि कोच काफ़ी पुराना है इसका, आई थिंक 2012-13 के बने हुए हैं, मेंटेनेंस अच्छी हो ना कोच जितना मर्जी पुराना हो यार सही ही होता है। और वैसे इसमें जो है एक और मैं बताता हूँ इसका, अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा कूलिंग हो गई है इसके अंदर, AC में कूलिंग मेरे को लग रही है, क्योंकि क्या है एक रीज़न मैं बताता हूँ, इसकी जो AC का वेंटिलेशन है ना वो ये है, ये जो देख रहे हो ये वाले जो कि बहुत पास है हमारे, जो शताब्दी का होता है वो छत पे होता है और वो भी ऊपर को होता है, ये तो है भी नीचे को, तो इस तरह से AC की वेंटिलेशन ना कुछ ज़्यादा जल्दी फैल जाती है उस साइड भी है, तो ठंड बहुत ज़्यादा जल्द लगनी शुरू हो जाती है। तो यार पेरमपुर पे अब अराइव कर चुकी है हमारी गाड़ी, कुछ 9:00 बस 5 मिनट हैं बस चल पड़ी यार, आई थिंक पेरमपुर पे भी आधी से ज़्यादा ट्रेन खाली हो चुकी है, बस कुछ 6 मिनट का बचा है हमारा। और वैसे पेरमपुर से तो आई थिंक यहाँ पे ना वो है ICF चेन्नई फैक्ट्री पेरमपुर में है जो चेन्नई के ना, और यहाँ से क्या होता है कि जो ट्रेनें बाकी विजयवाड़ा साइड यहाँ ईस्ट साइड नॉर्थ साइड से आकर के इस साइड जाती हैं, यानी कि बेंगलोर साइड जाती हैं, चेन्नई नहीं टच करती, वो पेरमपुर होके जाती, फिर वो चेन्नई सेंट्रल नहीं जाती, इससे टाइम बचता है, नहीं तो वहाँ पे रुक के ऐसे घूम कर आना पड़ता है।
गाड़ी जो है अभी चेन्नई सेंट्रल पे पहुंच चुकी है। बाय द वे ये जो मिडल डेक पे अभी मैं खड़ा हूँ, जो मिडल वाला डेक है, वैसे इंडियन रेलवेज को एक चीज़ मेरे हिसाब से करनी चाहिए कि जब बुकिंग करवाते हैं हम लोग डबल डेकर में स्पेशली, बाकी ट्रेन में तो ऑप्शन आता है ना विंडो वाली चाहिए या नो नो चॉइस साइड अपर साइड लोअर ऐसा ऑप्शन आता है, तो इसमें भी ऑप्शन आना चाहिए कि आपको लोअर डेक में चाहिए, मिडल डेक में चाहिए या अपर डेक में चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि होना चाहिए सिस्टम, क्योंकि मिडल डेक में पूरी प्राइवेसी है यार, इस वाली में तो कुछ खास ही प्राइवेसी मिलेगी आपको। सोचो आप तीन लोग हो और यहाँ पे आपको सीट मिल जाए तो फिर तो मज़े ही हैं आपके बस। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, और भाई अच्छी लगती है ना तो सब्सक्राइब कर दिया करो। अब मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट जर्नी में। बाय द वे अभी मेरी फिर आगे कंटिन्यू जर्नी है, ये तो शुक्र है कि मैं टाइम तक पहुँच गया, अभी 2 घंटे बचे मेरी जर्नी में, मैं चलता हूँ वहाँ पे, आपसे मिलूँगा उसी जर्नी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।